हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल विश में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये गैस गीजर है, ये बिल्कुल खराब हो चुका है, ये काम नहीं कर रहा है, इसमें से गर्म पानी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसका रिपेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि किसी भी खराब गैस गीजर में सबसे पहले क्या और कैसे चेक करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये एराइज कंपनी की गैस गीजर है, कस्टमर का कहना है कि ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो आइए एक बार हम लोग भी चेक कर लें कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये गीजर इस पोजीशन में लगा रहता है और नल के साथ लगा रहता है, और जैसे नल को ऑन किया जाता है यानी पानी को खोला जाता है तो ऑटोमेटिकली ये इसमें इंडिकेटर जलने लगता है, ये इंडिकेटर जो दिख रहा है जल उठता है और ये गर्म पानी देने लगता है, इसमें से स्पार्किंग की भी आवाज़ आती है और गर्म पानी देने लगता है। तो दोस्तों अभी मेरे पास नल या पानी कोई भी नहीं है, तो अगर नल या पानी न रहे तो इसको कैसे चेक किया जाएगा मैं बता रहा हूँ आपको। इस गीजर को आप उल्टा कर दीजिए, क्योंकि नल के साथ ऐसे लगा रहता है, इसको ऐसे खड़ा कर दीजिए। खड़ा करने के बाद से ये जो आप स्विच देख रहे हैं ये हर एक गीजर में लगा रहता है, ये दिखाई देने लगेगा, और जैसे ही स्विच दिखाई देगा स्विच को ऑन करने पर दोस्तों अगर आपकी गीजर सही रहेगा तो ये जो रेड कलर की इंडिकेटर दिख रहा है ये जल उठेगा, ये ग्लो करने लगेगा और स्विच बंद करने से ये बंद हो जाएगा। और इंडिकेटर के ग्लो करने के साथ साथ दोस्तों इस गीजर के अंदर से स्पार्किंग की आवाज़ आएगा, यानी चटचटाहट की आवाज़ आएगा, तो समझ लिया जाता है कि हमारा गीजर काम कर रहा है। लेकिन मैंने इसको उल्टा कर दिया है और स्विच भी ऑन कर दिया है फिर भी काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये काम नहीं कर रहा है, ये ख़राब है। तो दोस्तों खराब गीजर को सबसे पहले हम बैटरी को चेंज करते हैं। हमारा गीजर अगर ख़राब हो जाए तो सबसे पहले हम नया बैटरी डालेंगे दोस्तों, अगर बैटरी पुराना हो गया हो तो इसलिए मैंने इसमें नया भी बैटरी डाल दिया है। ये देखिए बिल्कुल नया बैटरी है फिर भी ये काम नहीं कर रहा है दोस्तों। तो इसके लिए अब गीजर को ओपन करना पड़ेगा, यानी ऊपर वाले कवर को खोलना पड़ेगा। ऊपर वाले कवर को खोलने के लिए दोस्तों दो स्क्रू यहाँ दिख रहा है और दो स्क्रू इसके ऊपर साइड में है यहाँ पर, तो आइए फटाफट इसको खोल लेते हैं। कवर को खोलने से पहले इसके नॉब को निकालना जरूरी होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये वाला नॉब, ये गैस कंट्रोलर है, इस पर लिखा भी है ये वाटर कंट्रोलर यानी पानी को कंट्रोल करता है। ऊपर वाला है ये विंटर और समर है, जैसे ज़्यादा ठंड लग रहा हो तो विंटर पर रहेगा और थोड़ा कम ठंड हो तो समर पर रहेगा। तो दोस्तों मैंने इसको ओपन कर लिया है इस गीजर को, अब इसके कवर में स्विच और इंडिकेटर जो लगा हुआ है ये एलईडी बल्ब रेड कलर का, ये दोनों इसके स्विच में है तो हम इसको हटा लेंगे। तो मैंने लाइट को हटा दिया है और यहाँ पे पिन सॉकेट लगे हुए हैं जो इस स्विच को अलग कर देगा, इस पिन सॉकेट को भी हम निकाल ही लेंगे। तो दोस्तों ये कवर बिल्कुल अलग हो गया। अब यहाँ दोस्तों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा फिर समझ में आएगा। तो दोस्तों किसी भी गैस गीजर में यही सब सिस्टम रहता है जो आपको दिखाई दे रहा है, यही सब सिस्टम रहता है। ये दोस्तों ये लाइटर किट है, ये डिब्बी जो दिख रहा है आपको ये इसका लाइटर किट है, और ये गैस रिले है, इसको कॉयल भी कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो दो टर्मिनल वाली पिन है ये जो कि स्विच के साथ कॉन्टेक्ट किया गया था, इसको मैंने इसको निकाला है तो इसको हम शॉर्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसको शॉर्ट करेंगे कि हो सकता है हमारा स्विच ख़राब हो या और भी वायर ख़राब हो, तो सबसे पहले हम डायरेक्टली इसको चेक करेंगे। ये देखिए ये दोनों टर्मिनल को आपस में जब शॉर्ट हम करेंगे तो दोस्तों शॉर्ट करने के बाद से यहाँ से चटचटाहट की आवाज़ आनी चाहिए। आइए पहले इसको खोल लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको तीन नीडल दिखाई दे रहा है, तो बीच वाला नीडल है ये नीडल, और इस नीडल से चटचटाहट की आवाज़ आनी चाहिए ये, और ये सेंसर नीडल है दोस्तों। जब इसमें आग लग जाता है इस बर्नर में तो इस सेंसर के थ्रू चटचटाहट को बंद कर देता है, यही इसका फंक्शन होता है। आइए इसको शॉर्ट करते हैं तो इस यहाँ पे चटचटाहट आ रहा है कि नहीं ये देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे चटचटाहट बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें यहाँ पे ये बैटरी की सप्लाई यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, क्या इसमें बैटरी की सप्लाई के वायर में कोई गड़बड़ी है या बैटरी की सप्लाई के होल्डर में कोई गड़बड़ी है। इसके लिए हमें इन दोनों टर्मिनल को चेक करना है, 3 वोल्ट यहाँ आना चाहिए क्योंकि 1.5 वोल्ट का दो बैटरियाँ इसमें लगी हुई है दोस्तों। ये DC 3 वोल्ट से काम करता है, ये जो डिब्बी दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें 3 वोल्ट मिलनी चाहिए। इसके लिए हमें मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगा और मल्टीमीटर को हम DC रेंज में 20 वोल्ट पे रखेंगे, जैसा कि मैंने इसको रख लिया है। इसको दोनों टर्मिनल पर हम चेक करेंगे, इस दोनों टर्मिनल पे
ये पूरे गीजर में यही एक दो टर्मिनल दिखाई आपको देगा दोस्तों, जो इस किट से निकलता है उसी को शॉर्ट करना है और यहीं पे चेक करना है। आइए इस टर्मिनल को चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरे मल्टीमीटर में 3.06 वोल्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हुआ हमारा बैटरी का जो डीसी सप्लाई है बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो जब सही काम कर रहा हो तो इसको शॉर्ट करने पर यहाँ से स्पार्किंग आनी चाहिए, तो ये स्पार्किंग यहाँ नहीं आ रहा है। इसका मतलब हुआ दोस्तों, ये जो किट है, ये डिब्बी जो लाइटर किट भी इसे कहते हैं, इसमें से कोई ख़राबी हो गई है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये रिपेयर होता नहीं है, इस किट को चेंज ही करना पड़ता है। तो इस गीजर में यही प्रॉब्लम है कि ये किट ख़राब है, इस किट को चेंज करना पड़ेगा। तो आइए इस किट को बाहर निकाल कर चेंज करते हैं। तो किट को बाहर निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें इस बैटरी होल्डर से दोनों पिन को निकालना पड़ेगा। ये जो प्लस और माइनस का काला और पीला कलर का वायर है, ये पीला वाला प्लस का है और काला वाला माइनस का है, ये अलग हो गया। अब यहाँ पे इस किट से दो वायर यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ओवर हीटिंग कट कंपोनेंट है दोस्तों। ये जो दिख रहा है आपको छोटी सी, ये ओवर हीटिंग के लिए है। जब पानी ज़्यादा गर्म आने लगता है इस पाइप से, आउटपुट पाइप है ये जो गर्म पानी को बाहर करता है, इससे ज़्यादा पानी जब गर्म आने लगेगा यानी आवश्यकता से ज़्यादा, तो ये ऑटोमेटिकली इस सिस्टम को बंद कर देता है, यानी पूरा गीजर को ही बंद कर देगा। फिर ठंडा पानी आएगा तो ऑटोमेटिक ये गीजर ऑन हो जाता है। तो इसको, इस पिन को निकालना पड़ेगा। जैसे दो पिन इसमें है, और ये जो आप देख रहे हैं गैस रिले यानी कॉयल, यही कॉयल गैस को रिले करता है बर्नर के पास। तो इसको, इस पिन को भी हम निकाल ही लेते हैं, देखिए जी। और ये जो एक और वायर जो बॉडी के साथ अटैच है दोस्तों यहाँ पे, ये अर्थ वायर है, इसको भी खोलना पड़ेगा तब किट बाहर आएगा। और जो ये तीन नीडल देख रहे हैं, या तीनों में जो ये वायर गया है ब्लैक कलर का, इस तीनों को हम निकाल देंगे यहाँ से और किट को बाहर निकालेंगे। तो किट को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे हमें दो स्क्रू खोलना पड़ेगा। ये किट मेरे हाथ में आ गया है, अब मैं गीजर को थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसको आपको मैं ओपन करके भी दिखाता हूँ, क्योंकि ये रिपेयर होता नहीं है। ये देखिए इसके कंपोनेंट के ऊपर कितना सा लिक्विड गिरा दिया गया है, और वो हार्ड हो गया है, सूख गया है, जो आप देख रहे हैं, इसीलिए इसको रिपेयर नहीं किया जाता है। इसको हटा दे रहे हैं, इसके जगह पर हमें एक नया किट डालना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये नया डब्बा है, इसी के अंदर सारे सिस्टम है इसके। इस किट को फिट करने से पहले आइए एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। कोई भी किट को टेस्ट करके ही लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है जितने सारे वायर, ये साफ साफ समझ में आ रहे हैं कि ये है बैटरी का वायर। तो आइए इसे प्लस माइनस में जोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे हमें देखना है कि प्लस कौन है माइनस कौन है। तो दोस्तों ये प्लस है और ये पिन माइनस का है। अब 3 वोल्ट की सप्लाई हमें किट में मिलने लगा। अब वही सिलसिला इसको भी करना है जैसे पुराने वाले किट के साथ किया गया था। तो दोस्तों ये जो LED है ये जलना चाहिए इसको शॉर्ट करने पर, हल्की सी चटचटाहट की आवाज़ भी आना चाहिए। तो आइए इसे शॉर्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये LED ग्लो हो रहा है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए LED ग्लो हो रहा है और इसमें से आवाज़ भी आ रहा है, देखिए। इसका मतलब ये किट काम कर रहा है। आइए फटाफट इसको लगा देते हैं। ये किट प्लेट है, इसमें पहले कसेंगे इसको। तो दोस्तों यहाँ पे इस किट के ऊपर ये जो 3 वायर निकल रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले वाले वायर में लिखा है HV1 और HV2। तो दोस्तों ये इसमें से हाई वोल्टेज आउट होता है, इसीलिए HV1 लिखा है, HV2 लिखा है, दोनों से हाई वोल्टेज ऑन होता है। और यहाँ पे S लिखा है दोस्तों, यानी ये सेंसर पिन है, यही सेंसर पिन है, आग लगने के बाद से इसको ये चटचटाहट को ये बंद करता है। तो ये तीनों चीज़ इस तीनों नीडल में लगा लेना है जो जहाँ लगे हुए थे। देखिए इसका नीडल कुछ बड़ा है और इसका नीडल कुछ छोटा है, तो बड़ा वाला बड़े वाले के साथ अटैच हो जाएगा और छोटा वाला छोटे वाले के साथ अटैच हो जाएगा। ये कॉयल वाला जो पिन है इसको लगा लेते हैं। 3 पिन दिया हुआ है दोस्तों इस कॉयल वाले पिन में, इसमें भी 3 है, इसको यहाँ लगा लेते हैं ऐसे। और जो ये अर्थ वाला बॉडी, अर्थ का ये लीड है,
इसको बॉडी अर्थ बॉडी से अटैच कर दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये कनेक्शन बिल्कुल टाइट होनी चाहिए जो बॉडी के साथ है। दोस्तों ये बैटरी वाला वायर है, इसको नीचे से बैटरी के पास तक ले जाया जाए। दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस बहुत ही सावधानी के साथ जोड़ना है, अगर उल्टा कनेक्शन हो जाएगा तो आपका गीजर काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये ऊपर वाला जो कनेक्टर है ये प्लस का है और नीचे वाला माइनस का है, इस पर लिखा भी है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे प्लस लिखा है यहाँ और यहाँ पे माइनस लिखा है, इससे पता चल जाता है कि कौन सा प्लस है। आइए इसे सेट कर लेते हैं। दोस्तों इसके कोई भी वायर पाइप के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाइप में गर्म पानी आता है तो पाइप हीट होता है। अब इस थर्मोस्टेट का ये दो पिन है दोस्तों, इस दोनों पिन को थर्मोस्टेट में लगा देना है। कोई भी पिन किसी में भी लग सकता है, इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है। ये बच गया आपका सेंसर पिन और ये जो हो गया आपका स्विच पिन है। यहाँ पे हम इसको फिर से टच करते हैं, वहाँ देखते हैं स्पार्किंग हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको मैं टच करने जा रहा हूँ तो वहाँ स्पार्किंग होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ वहाँ पे स्पार्किंग हो रहा है, फिर से टच कर रहा हूँ। ये स्पार्किंग जो देख रहे हैं लाइटर की स्पार्किंग है दोस्तों, ये स्पार्किंग हुआ जब भी इसमें आग लगता है, इस बर्नर जलने लगता है देखिए। और जो स्पार्किंग के बाद ये कट की आवाज़ कर रहा है, ये क्वाइल कर रहा है दोस्तों। ये जब कट करता है यानी खुलता है, और जब जैसे खुलेगा यहाँ से LPG गैस बर्नर के पास तक पहुँच जाता है। ऐसे देखिए देखिए इस चट की आवाज़ ये कर रहा है। तो दोस्तों ये किट बदलने के बाद से बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसे आइए बॉडी के साथ फिट कर लेते हैं, फिर एक बार लास्ट चेक करते हैं इसको खड़ा करके, यानी उल्टा करके इसको चेक करेंगे। मैंने इसे बॉडी के साथ फिट कर लिया है, इसका कवर भी लगा दिया है। अब आइए एक बार और चेक कर लिया जाए कि ये उल्टा करके कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों मैंने इसको उल्टा कर दिया है और जैसे स्विच ऑन करेंगे देखिए दोस्तों ये LED बल्ब ग्लो होने लगा और इसमें से स्पार्किंग की भी आवाज़ आ रहा है। तो किसी भी गैस गीजर को आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और इसको खड़ा कर दिया जाएगा ऐसे तो ये नहीं हो पाएगा, इसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ जाएगी दोस्तों और नल की। देखिए मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ खड़ा करके तो ये काम नहीं करेगा। देखिए मैं स्विच ऑन किया हूँ लेकिन काम नहीं कर रहा है, फिर से ऑन कर रहा हूँ दोबारा देखिए नहीं काम कर रहा है। तो जब तक इसको उल्टा नहीं किया जाएगा ऐसे तब तक ये काम नहीं कर, देखिए। तो दोस्तों ये रहा तरीका गैस गीजर रिपेयर का। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने गैस गीजर का रिपेयरिंग कर सकता है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन भी दबाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।